हेलो गाइस, आज हम वीडियो में एक ऐसे भिखारी के बारे में बात करेंगे जो एक झटके में रोल्स रॉयस खरीद सकता है। और ये जो भिखारी है वो पैसे भी QR कोड से लेता है। और एक एशिया का ऐसा भिखारी जिसने पैसे मैनेज करने के लिए एक मैनेजर को रखा हुआ है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे बैगर्स दिखाएंगे, यानी कि ऐसे भिखारी दिखाएंगे जिसके सामने आप भी गरीब लगने लगोगे। तो गाइस, वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों, मैं हूं अल्फरान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फैक्ट अल्फा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर वन, कृष्णा कुमार। ये बस भीख मांगकर इतना पैसा कमाते हैं कि इनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। इनके पास 10 लाख रुपए का फ्लैट भी है और इन्होंने कई चीजें रेंट पर भी दी है। उन्होंने अपनी टोटल कमाई तो नहीं बताई, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा कमाते हैं। आप सोचियो कि इनकी सालाना नेटवर्थ कितनी होगी। नंबर टू, पप्पू कुमार। ये भिखारी की कमाई करोड़ों में है और ये हर साल 1.25 करोड़ कमा लेता है, जिससे इसका मंथली इनकम 10 लाख रुपीज है। ऊपर से इनके एक दो नहीं बल्कि 4 बैंक अकाउंट है और सभी बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा भरा हुआ है। और साथ ही साथ ये कई लोगों को पैसे लोन पर भी देते हैं। यह बात हो गई इंडियन बेगर्स की। अब चलते हैं फॉरेनर बेगर की तरफ। ये भी कुछ कम नहीं। फॉरेन में एक ऐसा भिखारी है जो चाहे तो आराम से एक रोल्स रॉयस ले सकता है। यकीन नहीं होता, लेकिन ये बात सच है। ऊपर से इनकी मंथली इनकम 7 करोड़ रुपए है। ये हर महीना 65 लाख से भी ज्यादा अर्न करते हैं। इनकी 1 मंथ की अर्निंग लोगों की साल भर की अर्निंग से भी ज्यादा है। और इनके पास इतने सारे हाउसेस और फ्लैट्स है जो इन्होंने रेंट पर दिए हैं। और एक ऐसा भिखारी है जो प्रॉपर्टीज में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है और रियल एस्टेट के बिजनेस में भी इसका बहुत चलता है, लेकिन फिर भी ये भीख मांगता है। गाइज, आपको ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो गाइज, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।